अस्सलामुअलैकुम। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट मेजर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसकी बेसिक सी डेफिनेशन, बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी है, ठीक है। देखते हैं, वी हैव स्टडीड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, जिसका नाम है वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसमें इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है, दो चीज़ों का एक सेम स्टेट में आ जाना है, दो चीज़ों का इक्वल हो जाना है, ठीक है। ये टॉर्क वगैरह इस सब में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, के कब दो टेम्परेचर जो है दोनों सराउंडिंग और सिस्टम के दो टेम्परेचर्स कब जो है सेम हो जाएं, कब जो है इक्वल स्टेट में आ जाएं, ठीक है, तो वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन, जो हमसे क्या कहती है। द थर्मल इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जाम्पल ऑफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स विच आर मेड इन थर्मल कॉन्टैक्ट। कहने के थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया जा सकता है एक ऐसी एग्जाम्पल में, जिसमें एक ऐसे एग्जाम्पल से जिसमें आपने दो बॉडीज ली हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, दोनों के डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। जैसे डायग्राम में भी हमें दिखाया हुआ है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, लेकिन दोनों को हम लोगों ने थर्मल कॉन्टैक्ट में, यानी कि दोनों को इस तरह से कॉन्टैक्ट में लेकर आए हैं कि हीट ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो दोनों को हम लोग लेकर आए थर्मल कॉन्टैक्ट में, ठीक है, दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में, ठीक है। इफ़ बोथ द बॉडीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर भाई शर्त एक ये भी है ना कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, अगर बॉडीज कंडक्टर ऑफ हीट ही ना हुई, अगर वो इंसुलेटर हुई, अगर वो हीट को कंडक्ट ही ना करें, अगर वो हीट को ट्रांसफर ही ना करें, अगर वो हीट को पास ही ना करें, तो हीट फ्लो तो नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा ना। फिर वो किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर होगी और किस तरह से टेम्परेचर्स बैलेंस होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बॉडीज का गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर दोनों बॉडीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुई, एक दे भी रही हो, दूसरी एक्सेप्ट भी कर रही हो, दैन देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो फिर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हो जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। और अब अगर किसी के जहन में सवाल ये आ रहा है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों नहीं होगी, तो भाई ऐसा भी आप कह सकते हो, लेकिन अगर कॉमन सेंस आप अपने इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे दूध ठंडा करना है, ठीक है, मैंने एक ग्लास में दूध लिया, ठीक है, और उसको मैंने एक जो है कंटेनर में रख दिया, एक बाउल में रख दिया, ठीक है, जिसमें एक बोल में मैंने ऐसा रख दिया कि जिसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी का जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा उस ग्लास के मुकाबले में जिसमें मिल्क है, ठीक है, जिसमें हॉट मिल्क है, ठीक है। तो क्या होगा, हॉट मिल्क से जो मेरा कंटेनर होगा, जो मेरा बोल होगा जिसमें ठंडा पानी है, उसकी तरफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब अगर मैं इसके बनस्पत एक और एग्जाम्पल दूँ, जिसमें मैंने एक बर्फ ली है, ठीक है, बर्फ को मैंने पिघलाने के लिए बाहर छोड़ दिया, ठीक है। अब बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, बर्फ के मुकाबले में क्या है, बर्फ के मुकाबले में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर गर्म है, और बर्फ क्या है, ठंडी ठंडी है, ठीक है। अब आप इसको दोनों तरह से समझ सकते हो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हुई है, ठीक है, कि बर्फ का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ है और जो है वो बर्फ गर्म होती गई है। लेकिन इस तरह नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बर्फ पड़ी हुई है, तो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बर्फ के मुकाबले में गर्म है, तो क्या होगा, ये जो गर्म टेम्परेचर है ये बर्फ की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और इस तरह से बर्फ पिघलती जाएगी और उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है, और वो पिघलती जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चाहे आप ठंडी चीज़ को कंसिडर कर रहे हो या चाहे आप गर्म चीज़ को कंसिडर कर रहे हो, क्या होगा, बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द हॉटर बॉडी लूजेस थर्मल एनर्जी, वेयर एज कूलर बॉडी गेन्स थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, ठीक है, जो गर्म बॉडी होगी उसकी थर्मल एनर्जी पहले ज़्यादा थी क्योंकि पहले ज़्यादा हीट अप थी, ठीक है, अब उसकी थर्मल एनर्जी वो क्या करती रहेगी, लूज़ करती रहेगी, ठीक है, और जो कूलर बॉडी होगी उसमें थर्मल एनर्जी कम थी इसलिए वो कूल थी, अब वो क्या करती रहेगी, थर्मल एनर्जी को गेन करती रहेगी ताकि वो भी थोड़ी गर्म होती जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर, ठीक है, और ये हीट ट्रांसफर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर पर ना आ जाएँ, ठीक है। देखें, दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो गया, हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस स्टेट ऑफ सेम टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इज टर्म्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम, इस स्टेट को जिस पर ये दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो गया, हीट तब तक ट्रांसफर हुई जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो गया, ना एक ठंडी रही ना एक गर्म रही, दोनों बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर पर आ गई, ये स्टेट कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है कि द बॉडीज़ आर सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन दे हैव सेम टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, और अब हीट एनर्जी की ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, अब हीट एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बॉडीज़
टेम्परेचर सेम हो चुका है तो कौन सी हॉट कौन सी कोल्ड, कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी फील दैट वी हैव फीवर, ठीक है, हमें लगता है कि हमें बुखार है, वी माइट प्लेस अ थर्मामीटर इन आर माउथ, ठीक है। तो हम थर्मामीटर अपने मुँह में रखते हैं चेक करने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, और हम कुछ मिनट्स का इंतजार करते हैं, ठीक है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द थर्मामीटर एंड आवर बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि थर्मामीटर पर रीडिंग्स किस तरह आती है कि कितना बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी और थर्मामीटर के दरमियान ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज आवर बॉडी इज हॉट, ठीक है, हमारी बॉडी गर्म होती है एज कम्पेयर टू द थर्मामीटर, थर्मामीटर ठंडा होता है, ठीक है। देयरफॉर द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर इंक्रीजेस, ठीक है। और फिर क्या होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब हीट ट्रांसफर होगा, हमारी बॉडी से थर्मामीटर में जब हीट ट्रांसफर होगी तो थर्मामीटर पर रीडिंग आने लग जाएगी कि कितना टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द थर्मामीटर एंड आर बॉडी बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो फिर हम जो एक आध मिनट या हम जितनी देर इंतजार करते हैं ना, उतनी देर में क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है थर्मामीटर और हमारी बॉडी के दरमियान, वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी और थर्मामीटर जो है फिर उसके बाद सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद मेरी बॉडी से थर्मामीटर में मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, जितनी हीट मेरी बॉडी में थी, जितनी हीट थर्मामीटर से ज़्यादा थी मेरी बॉडी में, उतना टेम्परेचर जो है, उतनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और फिर थर्मामीटर बता देगा कि एग्जैक्ट रीडिंग हमें बता देगा कि अच्छा इतना जो है, इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई है तो इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। उसके बाद मेरी बॉडी और थर्मामीटर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा। एट दिस पॉइंट आवर बॉडी एंड थर्मामीटर आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो स्टेट ऐसा होगा जिसके ऊपर मेरी बॉडी और थर्मामीटर बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर होंगे, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम, फीवर थर्मामीटर वाले एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी।